सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ के बाद सहनाज गिल काफी सदमे में अब तक है, लेकिन आखिरकार उनके पिता यानी संतोष सिंह ने क्या कुछ किया है अपनी बेटी सहनाज गिल के लिए, जिसके कारण कि सहनाज गिल को हिम्मत मिलेगी इस मुश्किल दौर से निकलने में। वह चलिए हम बताते हैं कि आखिरकार संतोष सिंह ने क्या कुछ किया है सहनाज गिल के लिए। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहले आपको बता दूं कि सहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जो जोड़ी थी वो हम सबको पता है कि उन दोनों में कनेक्शन जो था कितना रियल था, और वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। स्पेशली सहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के बिना एक सेकंड भी अपना गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समझती थी, और ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ होने के बाद सच में सहनाज गिल टूट चुकी हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उनकी फैमिली उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इवन सिद्धार्थ की फैमिली, सहनाज गिल की खुद की फैमिली उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ पंजाब से सभी लोग आ गए हैं सहनाज को सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे में सहनाज गिल के फादर संतोष सुख ने कुछ ऐसा शेयर किया है जिसे देख शायद सहनाज गिल को हिम्मत मिले कि उनके फादर हमेशा उनके हर एक दुख दर्द में साथ हैं। वेल, आपको बता दूं कि संतोष सुख ने एक टैटू बनवाया है। जी हाँ, संतोष सुख ने एक अपने हाथ पर टैटू बनवाया है, उसमें हाथ जोड़ा हुआ साइन है और नीचे यानी सहनाज का नाम है। पर जब से संतोष सुख ने ये टैटू बनवाया है तब से सोशल मीडिया पर उनकी ये टैटू की तस्वीर हो रही है वायरल। पर साथ ही साथ संतोष सुख और बाकी फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस टैटू को लेकर किसी तरह का बात का पतंगड़ नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये टैटू सिर्फ और सिर्फ ये डेडिकेट कर रहा है संतोष सुख की तरफ से कि वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और हर दुख और दर्द में वो हमेशा उनके साथ हैं। वेल, भगवान सहनाज गिल को हिम्मत दे, और हम बस यही प्रे करते हैं कि सहनाज गिल जल्द से जल्द वापस आ जाए और जल्द से जल्द वो अपनी पहली वाली मुस्कुराहट के साथ हम सब के सामने नजर आने लगे। वेल, आपका क्या कुछ कहना है सहनाज गिल के फादर के इस प्यारे से टैटू के बारे में जो सहनाज गिल के लिए बनाया गया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।